नमस्कार दर्शक बंधु, झांसी रुषे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम मकर संक्रांति एवं सांबर दशमी उपलक्षे बिना प्याज रसुण में दुईटे यूनिक रेसिपी बनवा आशा कर निश्चित भाव भल लगे। यह संपूर्ण भिन्न स्टाइल बनी तेणु मोर गोटे रिक्वेस्ट आपण मैंने भिडियोटी को संपूर्ण देखु भल लगे निश्चित गोटे लाइक करनी सब्सक्राइब करी चैनल टी सब्सक्राइब करने पाखे बेल आइकन प्रेस करनी तेब चलतु आरंभ करवा आज रही रेसीपी को। एठार गोटे के जी छोट आलू को गोटे सीटी दे कुकर सीझेबापर आर चोपा को भल भाव खोली आपण मैंने छोट छोट आलू ने नहले मीडियम साइज़ आलू नहीं मझीर दुई फाड़ करदे। एटी आलू गुड़िक तीन भाग सीझी गोटे भाग सीझनी यहाँ आम तेल फ्राए करापर बाकी सीझीज एवं ही आलू को नहीं जीबा नेक्स्ट प्रोसेस को। दम आलू बनवाप गोटे मसला बनवा से गोटे चामच पान मधुरी नवा गोटे चामच जीरा नवा दुई चामच गोटा धनिया नवा गोटा धनिया नपण मैंने धनिया पाउडर यूज करें गोलमरच 14-15 नवा या द्वारा बढ़िया डाइजेशन हो। गोटे बड़ गुजराती एवं दुईटा ग्रीन गुजराती नवा दुईटा डालचीन नवा गोटे तेजपत्र नवा यही सब को आमे ड्राई रोस्ट करवा मसलाटी को लो फ्लेम भाजवा यही भाजवा द्वारा बहुत बढ़िया बास्ना आसो जहाद्वारा तरकारीटा टेस्ट फ्लेवरफुल हेबो। सबु मसलारू बहुत बढ़िया बास्ना आसले गोटे प्लेट को खोलदबा थंडा हवा पर आम ग्राइंडर में पेशी गोटे स्मूथ पाउडर बनवा। एटी गोटे चामच कस्तूरी मेथी नहीं ड्राई रोस्ट करनवा कस्तूरी मेथी हो गोटे प्लेट को देदे कड़े किसी रिफाइन तेल नहीं प्रथम आलू गुड़ को दबा यहाँ आम फ्राए करवा आपण मैंने छोट छोट आलू ने जहाद्वारा आलुदम टी सुंदर देखा सह टेस्ट भल आस आलू को मीडियम फ्लेम भाजवा। एठारे आलू को फ्राए कर 5-6 मिनट हो गलानी आलू गुड़िक फ्राए होगा एबे गोटे प्लेट को खोलदबा यही कड़े तरकारी करवा तेणु अधा तेल खोली दबा एबे जीबा नेक्स्ट प्रोसेस को। एठी मु दुईटा मीडियम साइज़ गाजर को काटिक नहीं यार रस को नहीं आमे पूरी बनवा तेणु प्रथम यहाँ ग्राइंडिंग जार रे दे दबा हाफ ग्लास पानी दबा यहाँ ग्राइंडिंग करनवा गाजर टी ग्राइंडिंग हो जाए तेणु यही बासन में मुझे छाणी गोटे जाली नेली एबे गाजर को दे चामच रे एहीपरी रस को बाहर करनवा यही गाजर बाकी मिश्रण को फिंगीबेनी यहाँ आपण मैंने सूप बन पारे कि हालुआ बन पारे। एठार देखु केते रस बाहर आ भितर मु हाफ ग्लास पानी दे तेणु यह मिठाई कम अच्छी बेसी मीठा ना यार कलर के सुंदर देखा नहीं जी आम नेक्स्ट प्रोसेस को। ये देखो मुझे 1.5 कप मैदा नहीं गोटे कप अटा नहीं स्वाद अनुसार लुण देवा गोटे छोट चामच जुआणी को हाथ में क्रस करदे यहाँ डाइजेशन भल हम कस्तूरी मेथी गोटे चामच नहीं हाथ में क्रस कर देदे। एठार आपण मैंने कस्तूरी मेथी को आदो स्किप करेंगे रिफाइन ऑयल 2 चामच दबा या को हाथ में भल भाव मिक्स कर नवा एवं गाजर रस को दे अटा जेपरी चकड़ी से चकटी गोटे डो प्रस्तुत करदे यहाँद्वारा लाइट पिंक कलर आसीबो जस्ट टिके मीठा लगे यहाँ चटपटा दम आलू सह खाइले बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। इथे हमर डोटी प्रस्तुत हो जाए यह नॉर्मल जेपरी रुटी बनाती से हीपरी भाव में बनइबे देखो ये पूरा आम सॉफ्ट अच्छी बेसी टाइट ना कि बेसी लूज मध्य ना एवं यहाँ 10 मिनट रेस्ट पाई रखिद इतने दुटा टमाटो नहीं तरकारी दवापाई प्रथम यहाँ छोट छोट काटिद यहाँ एवं नहीं ग्राइंडिंग कर आर गोटे स्मूथ पेस्ट बनईद। एठारे आमे भाजी नहीं ड्राए मसला को ग्राइंडिंग करी पाउडर बनई देती यार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसको आपण मैंने जेकोसी जे तरकारी यूज करें या स्टोर करेंगे यह भितर भाजी रखि मेथी पत्र को देदे हाफ चामच काश्मीरी लंका गुंड दे कलर बहुत बढ़िया आसो रागपाई रेड चिली पाउडर हाफ चामच दवा हलदी पाउडर 1/4 चामच दवा यही मसला को आम दही मिक्स करवा। एठार दम आलू तरकारी बनवाई एठार 300 ग्राम दही नहीं दही रे मसला को दे मिक्स कर नवा एठार जहाँ सब नहीं गोटे के जी आलू पाई नहीं आपण मैंने जीक आलू बनवे से ही अनुसार मसला यूज करेंगे यही सब मसला को आम प्रथम दही में मिक्स करदे आम दहीटा फाटबनी तरकारीटा बहुत भल बन एटे आमर सब मिक्स होगा यह जा नेक्स्ट प्रोसेस को। तरकारी बनवाई कड़े अल्प तेल दे 5 फुटण गोटे चामच दवा 2टा कंचा लंगा को फाड़ करी नहीं देदे
दीटा टमाटो को ग्राइंडिंग कर नहीं पेस्ट को देदे यह भल भाव मिक्स करवा टमाटो को आपण मैंने भल भाव कषे जपरी टमाटर फ्लेवर तरकार न आसे यह ढांगी ढांगी धीरे धीरे 4-5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम भल भाव कषे एठारे टमाटा को कषार 5 मिनट होल देखु सेपरेट हो दही एवं मसला को मिक्स कर रखि पेस्ट को देदे यहाँ एवं भल भाव मिक्स करवा यहपर भल भाव कर्ची चलाउे जपरी दहीटा फुटि जाए मझे छाड़ी जीवे ना दहीटी फाटी जबार चान्स रही मत दहीटी कषार 5-6 मिनट हो देखु दही भितर ऑयल सेपरेट हो आसला एवं गोटे कि देढ़ ग्लास पा देदे आलूपाई एटि मु गरम पा नहीं तरकारीटा फुटला तेणु आलू को दबा यह भल भाव मिक्स कर नवा एटी मु गोटे चामच चीनी दे चीनी दबा द्वारा तरकारीटा मीठा लगभनि आम जो टमाटो दही देखते बालान्स रखो जहाद्वारा तरकारीटा बहुत बढ़िया टेस्ट आसो स्वाद अनुसार लुण दबा एवं 5-6 मिनट यह लो टू मीडियम फ्लेम ढांगी सीझा को दबा यहाद्वारा मसला और आलू भल भाव सीझीज आलू भितर सब मसलार फ्लेवर आसीज एटी 8 मिनिट हो गला मझे यहाँ 2-3 थर मिक्स करी देखु ये केते सुंदर देखा आलू देखो ये सीझीगला यार ग्रेवी को आउ मोटा करे ना थंडा होगा आहुरी मोटा हो ऊपर किसी धनिया पत्र देदे यहाँ ढांगी 5-7 मिनट रखा पर सर्व करवा एबे जीबा नेक्स्ट प्रोसेस को एबे पूरी बनेबा ऊपर टिके तेल दे दबा सबू अटा को गोला करी नहीं ची एबे गोटे गोला को नहीं पूरी बनेबा एही पूरी टी दम आलू सह खाइले बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो एठे हमर पूरी टी बनिगला एही परी आमे प्रथमे 5-6टा पूरी बनै नबा परे छाणीबा कड़े में मुझे तेल गरम रखि तेल गरम हो गला एबे पूरी को दे बनेबा यहाँ यहपर टे प्रेस करे जहाद्वारा पूरीटा भल भाव फुल देखु यह के सुंदर फुलवास आर कलर टा के सुंदर देखा यह आपण मैंने निश्चित घरे बनइबे देखिए बहुत भल लगे यहपर भाव आम सब पूरी गुड़ बनई ना एवं आम बन साही दम आलू को सर्व करवा देखु यार कलर के बढ़िया देखा ग्रेविटा केते टेस्टी बनची फ्लेवर तो पूरा महकी जाऊची आपण माने याकु मकर संक्रांति हो किंबा सांबर दर्शन निश्चित घरे बनांदु या बिना प्याज रसुन बनची बहुत टेस्टी मध्य अछि एठी मु पूरी सह सर्व करूची पूरी उडी को केते सुंदर फुला फुला बनची देखंतु या केते कुकुरा बनची यार कलर मध्य केते सुंदर देखाउची पिंक पिंक कलर देखाउची याकु आपण माने दम आलू सह खांतु थरे खाइले यार स्वाद भूली पारिबेनी वीडियो टुकु संपूर्ण देखे तरु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद।